मैं सब नूं इह सूचित करना चाहुंदा कि NSQF वोकेशनल टीचर यूनियन पंजाब वल्लों एक झंडा मार्च आयोजित होया है जो कि मिति 9 सितंबर 2020 नूं संगरूर विखे असी करना है। तो इस संबंध च मैं सारे साथियों नूं अपील करूंगा कि वह अपने जिन्ने भी जरूरी काम है उन्हां नूं पासे रख के इस झंडा मार्च विच शमूलियत करन, क्योंकि जिवें तुसीं भी जानकार हो कि सरकार ने 3.5 साल ऐदां ही लारियां च लंघा दिते ते हुण उहदा मुलाजमां प्रति जो नजरिया जो भैड़ा नजरिया वह सब दे सामने जाहर हो रहा है। ते जे साथी असीं हुण ना निकले तां इन्हां ने वोटां तक ऐदां ही लारे लाने। ते जिवें कि इन्हां ने पहलां कहा सीगा वोटां च आउण तों पहलां कि सरकार आउंदे ही ये कच्चे मुलाजमान पक्के करूंगे, ते जो आउटसोर्स वाले है या फिर कंपनियां दे थले जो मुलाजम काम करते है सरकारी विभागां च उन्हां विचों कंपनियां नूं बाहर कट के सीधा सरकार दे विच एंट्री कराई जाऊगी। पर ना तो हजे तक 3.5 साल लंघा के इन्हां तों कच्चे मुलाजम पक्के होए ते ना ही जिहड़ियां प्राइवेट कंपनियां उन्हां तों मुलाजमान नूं जो शोषण है उस तों मुक्ति नहीं मिली। तां इह जिहड़ी सरकार है ऐदा जापदा कि हुण इह अन्नी ते बोली हो चुकी है, ना तो इनू साडियां समस्यावां दिसदियां ते ना ही समस्यावां सानू सुणदियां। तां असीं हुण अपने संघर्ष का आगाज दुबारा कर रहे हैं ते उत्थे संगरूर च जाके असीं झंडा मार्च करके सरकार नूं अपनियां समस्यावां दिखाणियां भी है ते सुणानियां भी है ताकि सरकार मजबूर होके साडियां समस्यावां नूं हल करन दी पहल दवे। ਤਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਝੰਡੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕੀਏ।